तो जी मैं अपना काम कर रहा था और ये अभी विकास चेरी को घुमा के लाया। चेरी एकदम नई नवेली फुटबॉल किसी की चुरा के ले आई है। देखो और तू खुश हो रही है? तेरी मौसी चोरी करके आई है तो खुश हो रही है? बेटा ये तो बहुत ही नई फुटबॉल है। अरे रे रे एकदम टाइट है, हवा हवा भरी हुई इसमें तो भाई। ये तो एकदम भाई साहब गजब चोर कुत्ता। गुड मॉर्निंग SS फैम, ये है नया व्लॉग जिसमें आप लोग का स्वागत है और सुबह के बज रहे हैं 8। एक अचंभे की बात है, आप लोग शायद व्लॉग बंद कर दें ये सुनने के बाद, लेकिन मत कीजिएगा क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ। मेरी बेबी जा रही है दिल्ली और आज सुबह सुबह की फ्लाइट है इसलिए मेरी बेबी उठ गई है। हेलो हेलो गाइस, हाउ आर यू? क्यों जा रही हो तो वहीं जाके पता लगेगा, लेकिन आई एम गोइंग टू दिल्ली, मम्मी से मिलूंगी, कुछ दिन मम्मी के पास रहूंगी, मेन जो काम है वो आपको वहीं जाके बताऊंगी। और ये हुडी इतना प्यारा लग रहा है ना, मैं क्या बताऊं, बहुत ही प्यारा हुडी है। ध्यान से हम टाइम से बहुत पहले हैं, उड़न खटोला बनने की जरूरत नहीं है, रॉकेट गर्ल बनने की जरूरत नहीं है। और मेरे स्ट्रेट बाल कर करके लोगों ने मेरा बेड़ा गर्क कर दिया। स्ट्रेट बाल इसको इतने बुरे लग रहे थे ना, इतना गुस्सा आ रहा था ना इसको देख देख के। तुम बोल क्यों नहीं देते हो कि ये जो मैं करती हूँ ये तुम्हारे लिए करती हूँ? पति के लिए तो करना ही चाहिए ना फिर इंसान को। क्या किया तुमने मेरे लिए? यही बाल कर ली, तुम्हें स्ट्रेट नहीं अच्छे लगते हैं। पता नहीं क्या क्या बोलता, तरबूज जैसा मुंह है, खरबूजे जैसा मुंह है, पता नहीं क्या क्या बोलता रहता। नहीं नहीं, होता क्या है, जैसे आपके बाल फ्लैट होते हैं ना, तुम्हारी बात नहीं, सबका ही मुंह बड़ा लगता है। लेकिन मेरा कुछ ज्यादा लगता है क्योंकि मेरे स्ट्रेट बाल है नहीं। अरे बेबी आज तुमने सनराइज देख लिया? देखो कल डूबता हुआ देखा था, आज उगता हुआ देखा है। ढलता सूरज ढलते ढलते ढलता है उग जाएगा। और ये इस बैग की क्या कहानी है, ये दुकान से उड़ते उड़ते आपके घर में गिर गया आके? नहीं नहीं, ये पहले से पड़ा था। ये भी पहले से पड़ा था? हाँ। मैं ही बाद में आया हूँ क्या घर में? सब चीजों के बाद मैं ही आया हूँ क्या, जो मुझे किसी भी चीज का पता नहीं है? कल रात को मैंने देखा, मुझे लगा नीतू आई है, नीतू का बैग होगा, बाद में पता चले तो अपनी नीतू का है। मेरा नाम नीतू होता तो उससे खतरनाक है ना तुम्हारा डॉली। डॉल कहते थे मेरे को, डॉल पापा, फिर कहते थे डॉला कितने यार। तो जी हम लोग पहुँचने वाले हैं एयरपोर्ट, वी आर वेरी मच ऑन टाइम। चिंचा मुझे ऐसे देख रही थी कि ना जा मुझे छोड़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा अमिता के आने से मुझे ये रिलैक्सेशन है कि बच्चों का ध्यान ठीक तरह से रखा जाए। कोको भी देख रहा था सुबह सुबह, ये माँ का हाथ आया सर पे, ये उठी कैसे है पहले तो, क्योंकि अचंभित हो गया था। अरे पहली बार इतना हल्का बैग देख रहा हूँ भाई तुम्हारा, क्या वो कुछ भी नहीं लिया क्या? चुन चुन डाल लिए क्या अंदर? तो कैसे काटोगी इतने दिन हैं? अब मेरे का तुम फालतू मत बोलो, मेरे को वो दो सब, मेरा टिकट और वो टिकट और क्या, ये क्या हम 1990 में जी रहे हैं? हमारे फोन में है ना सब। फोन में कहाँ है? व्हाट्सएप पे। बोर्डिंग पास मैंने ले लिया है, ये रहा मेरा बोर्डिंग पास। और अभी मैं आई हूँ स्टारबक्स में कॉफी लेने के लिए, तो यहाँ पे केनिया रोस्ट नहीं है ऑब्वियसली, मेरे को पहले से पता था, तो मैंने ब्लॉन्ड रोस्ट ले लिया है और अभी मेरी कॉफी बन के आएगी एंड देन स्ट्रेट आई विल हेड टुवर्ड्स माय गेट। और मैं देखूंगी गेट के लिए भी, अगर मेरे को बग्गी मिल जाए तो मैं बग्गी लेके और मैं निकल जाऊंगी, ताकि इतना चलना नहीं पड़े। सुबह सुबह चलने का मूड नहीं है ना, पहले तो कॉफी से आंखें खोलूंगी मैं अपनी। That's it. ये अब मैं पकड़ूंगी बग्गी और मैं निकल जाऊंगी गेट की तरफ। गेट नंबर है 86B। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं गेट पे पहुंच गई हूँ, तो मैं गेट पे नहीं पहुंची हूँ, मैं वहाँ पे पहुंची जहाँ से बग्गी मुझे मिलेगी। तब तक मैं बैठ के आराम से अपनी कॉफी पीऊंगी आप लोगों के साथ। चीयर्स। गरम है। आइए बताना मैं बैग कैसा लगा आप लोगों को। मैंने अविनाश को झूठ बोला है कि मेरे पास पहले से था, अभी खरीदा है। लोग अपना अपना खाना खा रहे हैं, ये देखो चेरी ने खा लिया, ये चुनचुन इस पे, अरे लूटरी खाना उसका, इधर कोको खा रहा है, इधर कैंडी खा रही है, कैंडी का ध्यान देना अभी तक, कैंडी का छीन लेती है वो। और चुनचुन इधर आ बेटा, तेरा खाना उतर। आजा। आपका सबसे हेल्दी खाना है ये, देखो हेल्दी खाना, शाबाश। खा ले, उधर मत देख, दूसरे के खाने पे नजर नहीं। और मैं अभी तैयार होकर जा रहा हूँ अपने वर्कआउट के लिए, कल मेरा लेग्स का वर्कआउट था तो मेरे लेग्स की बैंड बज गई, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, बहुत बुरी हालत है, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा आज जाऊँ। बहुत मुश्किल लग रहा है लेकिन जाऊंगा। तैयार होकर आप लोग को मिलता हूँ और कोशिश करता हूँ आज थोड़ा सा आपको अपना दूसरा वाला वर्कआउट भी दिखाऊँ, जो कि पूरा फ्री हैंड वर्कआउट है, जो मैं पार्क में करता हूँ। ओनली पुशअप्स एंड पुलअप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पुशअप्स, डिफरेंट टाइप ऑफ पुलअप्स। बहुत ही कमाल का वर्कआउट है, बहुत जबरदस्त स्ट्रेंथ देता है, लेकिन उतना खून भी चूस लेता है आपका। आपको तैयार होकर मिलता हूँ, तब तक आप देखो संभावना क्या कर रही है। 15-20 मिनट हो गए हैं बैग का वेट करते करते, बैग नहीं आया अभी तक। मेरा भाई बाहर वेट कर रहा है 20 मिनट से, मेरी यहाँ हालत खराब हो गई है। इससे अच्छे तो मैं कॉफी ले लेती और कॉफी लेके फिर मैं बैग लेने आती, टाइम भी बर्बाद हो गया। इट इज सो इरिटेटिंग, ये कौन सी प्रायोरिटी है जो सबसे लास्ट में आ रहा है बैग। गुस्सा
आता है फिर मेरे को, फिर इरिटेशन भी होती है। फ्लाइट भी बहुत टर्बुलेंट थी, इतना टर्बुलेंस था कि ऐसा लग रहा था कि मतलब ऐसे लुढ़क के नीचे गिरेगी, ऐसा था फ्लाइट में। बट स्टिल क्योंकि कोई सीरीज में देख रही थी ना तो वो टाइम निकल गया, लेकिन अब नहीं निकल रहा। अब मेरे को ना इरिटेशन हो रही है, स्टिल कांट सी माई बैक कमिंग। हाथ थक गए मेरे हाथ ऐसे हो गए। आ गया मेरा बैग, आ गया सबसे लास्ट ही शायद मेरा बैग आया। चलिए तो आपको बाहर मिलती हूँ। पता नहीं मुझे दिख नहीं रहा मेरा भाई। अरे निक्की, हेलो निक्की। पापा का ये हाय। अरे हेलो शोना। हाँ जी, मिलते तुझसे। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू शोना, कांग्रेचुलेशन। आपके एग्जाम के लिए कितने परसेंटेज आए हैं? 98.5। और आपके? 97.3। बुजुर्गों का नाम रोशन करो। कैसी थी फ्लाइट तेरी? अरे यार मार दिया फ्लाइट ने तो आज। मार ही दिया, मुझे तो पता ही नहीं बच्चे भी आ रहे थे आज। मैंने कहा थोड़ा सा सरप्राइज हो जाए। तो जी दोस्तों मैं हो गया हूँ तैयार, जा रहा हूँ अपने वर्कआउट के लिए। आज मैं थोड़ा 2-3 मिनट लेट हो गया हूँ, लेकिन ठीक है क्योंकि फिर तब तक गार्डन बंद हो जाएगा, थोड़ा सा वर्कआउट रह जाता है लास्ट में। तो अभी जल्दी जल्दी पहुँचता हूँ, आप लोग को वहाँ पे मिलता हूँ गार्डन में। दोस्तों मैं पार्क में पहुंचा और थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। जो मेरे सर थे उनको लगा आज क्लास नहीं है, क्योंकि हम रोज रात को कोऑर्डिनेट करते हैं कि कल क्लास है कि नहीं है। कल रात को मैसेज मैंने भी नहीं किया और वो आए नहीं। तो मेरे को थोड़ी सी शोल्डर में इंजरी हो गई थी क्रिकेट खेलते हुए, तो मैं सोच रहा हूँ कि अपने शोल्डर का थोड़ा सा जो भी फिजियो की एक्सरसाइजेज होती हैं वो कर लूँ और उसके बाद घर चला जाऊँ आज, क्योंकि आज वैसे ही मेरी बहुत बुरी हालत है। अच्छा ही हुआ नहीं आया सर तो, लेकिन अब मैं आ गया हूँ तो इतना तो करूँगा। दोस्तों ये कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जिन लोगों का शोल्डर वीक है, जैसे मेरा जो शोल्डर है यहाँ एक सॉकेट होता है, ये सॉकेट होता है, ये शोल्डर का बॉल होता है। तो मेरा ये जो बॉल है ना सॉकेट में से बार बार बाहर आता है अंदर जाता है, सेमी डिसलोकेटेड है पूरा नहीं। तो उसके लिए ये सब एक्सरसाइजेज होती हैं जिनके शोल्डर में प्रॉब्लम है वो लोग ये कर सकते हैं और अपने शोल्डर की स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं, क्योंकि शोल्डर के जो रोटेटर कफ्स होते हैं जिनकी वजह से शोल्डर रोटेट करता है वो बहुत ही नाजुक मसल्स होते हैं। तो उसके ऊपर पूरा शोल्डर टिका हुआ है और हम इतने हैवी एक्शन करते हैं, चाहे कोई कुछ लोग बॉलिंग करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं या कोई भी जिसमें शोल्डर यूज होता है, तो इसकी स्ट्रेंथनिंग बहुत ज़रूरी है। निकलते हम लोग जनकपुरी में इस समय और कॉफी ढूंढ रहे हैं। मेरी लिटरली आंखें बंद हो रही हैं, ऐसे कॉफी पीने को मन कर रहा है और यहाँ पे लग रहा है मेरे को याद आ रहा है शनि बाजार होता था, शनि बाजार की तैयारियां हो रही है। और मैं आपको वो भी घर दिखाऊंगी जो हमारा घर होता था, वहाँ पे अब क्या खुल गया अपन? कॉफी शॉप खुल गई है वहाँ पे। कॉफी शॉप बड़ा कॉफी शॉप खुला है वहाँ पे, जहाँ कभी हम लोग रहा करते थे, हमने अपना बचपन वहीं गुजारा है। कॉफी शॉप से लोगों को ये इंप्रेशन ना जाए ना कि हम दुकान में रहते हैं, वो बहुत लार्ज स्केल पे है। बकवास अपनी करी जाएगा। ये मार्केट होती थी जहाँ पे मैं भटकती रहती थी और यहाँ पे ये हमारा स्कूल पढ़ के हम लोग आज यहाँ तक पहुँच सके हैं। ये जो आप सामने कॉफी शॉप देख रहे हो ना, मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे हमारा घर होता था। अब मैं चुपचाप से यहाँ से जाके कॉफी लूंगी। पहले मतलब जिस घर में हम लोग रहते थे, कोटिया कहते ना, कोठी पे रहते थे, लेकिन हम लोग किराए पे रहते थे। मैं यार पूरी पुरानी यादें ताजा हो गई यार मेरी। ये जी रोड क्रॉस कर रहे हैं और रोड क्रॉस करते ही मैं आपको दिखाती हूँ। हेलो जी, ये जो जगह है ना, ये हमारा घर था। मतलब ये हमारे घर का गेट होता था, ये हमारी बालकनी होती थी और यहाँ पे हम रहते थे। सो दिस इज वेयर आई एम एंटरिंग अपने घर में। आ जाओ यार कॉफी ले लें। तो यहाँ के स्टाफ जो मुझसे मिलने आया, मैंने उनको बताया कि इधर मैं रहती थी, तो यहाँ पे कहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क होती थी, कहाँ पे हमारा गार्डन होता था, कहाँ पे कौन से रूम थे, मुझे सब याद आ रहा है। तो ये आज इंटायर इतना बड़ा यहाँ पे कॉफी शॉप खुला हुआ है, देख लो आप यहाँ से आता। और यहाँ पे मैंने अपना स्कूल किया है, कॉलेज किया है, एज ए मतलब इधर बैठ के नहीं, इस घर में रह के। और बहुत अजीब सी एक वो आ रही है, दिल में घबराहट सी उठ रही है कि काश आज भी यही हमारा घर होता। तो अगर मैं मुंबई नहीं आई होती तो होता, लाइफ में सब कुछ चेंज हो जाता है। जी मैं आ गया अपना वर्कआउट करके। वर्कआउट तो क्या था, अपनी नॉर्मल एक्सरसाइज थी थोड़ा शोल्डर स्ट्रेंथनिंग की, तो इसलिए आज थोड़ा जल्दी आ गया हूँ और आज थोड़ा पसीने भी कम आया। और गेट पे देख लो सबसे पहले मेरे स्वागत में कौन आया स्वागत में कौन आया है कान पीछे करके हैं? चेरू अपना सो गई है नीचे, कोको भी यहीं पे। हाँ जी बैठना, अपने आप में टास्क हो गया कल जो एक्सरसाइज की ना। हाँ जी ले रहा हूँ, आपको भी ले रहा हूँ।
मम्मी को भी ले रहा हूँ आ जाओ। बस हम लोग दोनों पहुँच गए हैं घर पे, अभी जा रहे हैं ऊपर। ऊपर जाके मम्मी से मिल पाती हूँ आपको। अब फिर मम्मी को ऑब्वियसली बताया तो नहीं हुआ, मम्मी को बताया भी होगा तो कहाँ उनको समझ में आएगा, उनको कुछ भी समझ तो आता नहीं है। और इस बार मैं जिस खास काम के लिए आई हूँ वो आपको अभी जाके बताती हूँ, आज ही बताऊंगी या कल बता दूंगी। लेकिन कुछ दिन रहने का प्लान है यहाँ पे मम्मी के पास ही, क्योंकि मैं सोचती हूँ जो भी टाइम मिल जाए मम्मी के साथ वो अच्छा है, बाकी तो वो मालूम नहीं कितना समझती। मैं ये कह रहा आपसे आराम से मिलूंगी जाके, आप सो गए थे एकदम, आप आराम से छोए हुए थे मम्मा है, किसको आवाजें दे रहे थे? रोना नहीं है, रोना नहीं मम्मा। अच्छा लगा मैं आई, आपको मिट्टी देनी बताया मैं आ रही हूँ। मेरी मम्मा जी बहुत प्यारी लग रही है, मम्मा जी कितनी सुंदर सुंदर लग रही है, चलो बाहर चलेंगे। मम्मा को विश्वास ही नहीं हुआ, मम्मा को इतना जल्दी लगा ही नहीं था कि मैं आ जाऊंगी, मम्मा को तो लगा ही नहीं था इतनी जल्दी आ जाऊंगी मैं। चलो आ जाओ, चलो बाहर चलो। अच्छी तरह से खा रही हूँ। हाँ जी मम्मा, हाँ ये लो फिर पानी पिलाऊंगी आपको, ये लो। तो जी मैं अपना काम कर रहा था और ये अभी विकास चेरी को घुमा के ले, चेरी एकदम नई नवेली फुटबॉल किसी की चुरा के ले आई है देखो, और तू खुश हो रही है, हैं तेरी मौसी चोरी करके आई है तो खुश हो रही है? बेटा ये तो बहुत ही नई फुटबॉल है, अरे रे रे एकदम टाइट है, हवा हवा भरी हुई इसमें तो भाई, ये तो एकदम कार के नीचे थी, बच्चे नहीं थे तो कल रात को अंधेरे में उनकी बॉल गई होगी गाड़ी के नीचे और इसने अभी उड़ा ली सुबह सुबह। और इसके मुंह में कैसे आ जाती है, क्या पकड़ा हुआ है इसने उसका? दांत गड़ा के पकड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें बॉल में तो कोई पकड़ने वाली चीज ही नहीं है जो दांत में फंसे। दिखा दो बेटा क्या पकड़ा है, ओ फाड़ के इसमें दांत घुसा दिया है। भाई साहब गजब चोर कुत्ता, ये देखो ये यही सिखा रही है अपनी भांजी को, यही सिखा रही है। चेरी अब तो तेरी है, अब क्यों कब्जा किया हुआ है, अब तो घर में आ गई है, अब बच्चे आएंगे मांगने ना तो देगी नहीं है मुझे पता है। चलो चेन निकाल दे, चलो अरे रुक जा चेन निकाल रहा हूँ भाई चेन। इसको ये लग रहा है इसकी बॉल ही चुरा रहे हैं हम जी। रात के बज चुके आई थिंक 10:30, हम लोग आराम से रूम में बैठे हैं, ये रही मिट्टी राखी और मैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि कल सुबह घर में हवन है, जिस दिन पापा की डेथ हुई थी उस दिन के हिसाब से कल का दिन है, जो कि डेट के हिसाब से निकल रहा है जिसपे बरसी होनी चाहिए। एग्जैक्टली डेट का मुझे नहीं समझ में आता लेकिन यहाँ पे डेट निकाली गई है, तो उस हिसाब से कल के डेट में हवन होगा और ऑब्वियसली लोगों को जो भी प्रसाद वगैरह खाना खिलाते हैं वो उसके लिए ही मैं स्पेशली आई हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि मम्मी को भी नहीं पता है, मम्मी को तो आज तक यही नहीं पता कि पापा है कहाँ, तो सबसे डिफिकल्ट कल का दिन हमारे लिए होने वाला है। बिकॉज मम्मी डजंट नो एनीथिंग क्या होगा, मम्मी को कैसे लाएंगे, या मम्मी को समझाना तो है ही नहीं, मम्मी को बताना तो है ही नहीं, बिकॉज शी विल नॉट बी एबल टू टेक इट और मे बी अंडरस्टैंड इट, इसीलिए मैं पूरा दिन मम्मी के सामने भी नहीं बोल रही थी। तो अब आपको कल मिलते हैं मॉर्निंग में, मुझे पता नहीं मैं ब्लॉग बना पाऊंगी नहीं बना पाऊंगी, कोशिश जरूर करूंगी, मना मिट्टी को दे दूंगी। और आपको मिलते हैं कल मॉर्निंग में, टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल।